हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड के चैप्टर टू पेलिमॉन के अंतर्गत उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखें पेलिमॉन या प्राण के डाइजेस्टिव सिस्टम की सामान्य रूपरेखा। प्राण के डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल को उसकी रचना, विकास और कार्य के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग यह फोरगट या स्टोमोडियम कहलाता है। इसके अंतर्गत माउथ, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस और स्टमक का भाग सम्मिलित होता है। फोरगट का निर्माण या विकास एक्टोडर्म से होता है तथा इसके भीतर की सतह पर क्यूटिकल की पतली लाइन उपस्थित होती है। फोरगट का कार्य इंटेक ऑफ फूड या भोजन को ग्रहण करना और भोजन का पाचन करना होता है। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा भाग जो मध्य में होता है यह मिडगट कहलाता है। इसे मेसेंटेरॉन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मिडगट या इंटेस्टाइन का भाग सम्मिलित होता है। मिडगट का निर्माण या विकास एंडोडर्म से होता है तथा इसके भीतर की सतह पर क्यूटिकल की लाइनिंग या लेयर अनुपस्थित होती है। मिडगट का कार्य पचे हुए भोजन में से उपयोगी पदार्थों का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना होता है। एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा भाग जो पीछे की ओर होता है यह हाइंडगट या प्रोक्टोडियम कहलाता है। प्रोक्टोडियम के अंतर्गत रेक्टम और एनस ये भाग सम्मिलित होते हैं। हाइंडगट का निर्माण और विकास भी एक्टोडर्म से होता है तथा इसके भीतर की सतह पर भी क्यूटिकल की पतली लाइन उपस्थित होती है। हाइंडगट का कार्य अपचित भोजन को, जिसे हम फूड रेसिड्यू कहते हैं, उसे आहार नाल से बाहर निकालना होता है, उनको रिमूव करना होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्राण में केवल एक ही पाई जाती है, जिसे हिपेटो पेनक्रियास कहते हैं। हिपेटो पेनक्रियास यह हिपेटिक या लीवर की तरह भी कार्य करता है और पेनक्रियास की तरह भी कार्य करता है, इसलिए संयुक्त रूप से इसे हिपेटो पेनक्रियास कहते हैं। आइए अब हम देखें प्राण में पोषण की विधि का। तो पोषण की विधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्रमशः फूड, फीडिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और इजेशन। अब हम विस्तार से एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चित्र में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड या हिपेटो पेनक्रियास को दर्शाया गया है। एलिमेंट्री कैनाल को पीले रंग से दर्शाया गया है, जो माउथ से शुरू होकर के ये एनस तक फैली हुई होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को रेड कलर से दर्शाया गया है। यह डाइजेस्टिव ग्लैंड यह स्टमक को उसके पीछे की ओर से, नीचे की ओर से और लेटरल साइड से घेर करके रखती है। एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग हैं वो इस तरह से हैं। पहला यह माउथ, जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरा बक्कल कैविटी, तीसरा ओसोफेगस, चौथा स्टमक,
यह स्टमक दो असमान आकार के चैम्बर्स में निर्मित होता है, जिन्हें क्रमशः कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। कार्डियक स्टमक आकार में बड़ा और सामने की ओर स्थित होता है, जबकि पाइलोरिक स्टमक यह आकार में छोटा तथा कार्डियक स्टमक के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है। स्टमक के पीछे का भाग यह मिड गट या मेसेंटेरॉन कहलाता है। यह पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल साइड से निकलता है और निकलने के बाद वह रेक्टम पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तीसरा भाग जो पीछे की ओर होता है हाइंड गट, और हाइंड गट के अंतर्गत ये बल्ब जैसी फूली हुई रचना यह रेक्टम कहलाती है, जो एक छोटे से अपर्चर के द्वारा, जिसे एनस कहते हैं, उसके माध्यम से शरीर के पिछले भाग पर वेंट्रल सतह पर बाहर की ओर खुलती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये रेड कलर से यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो कार्डियक स्टमक पाइलोरिक स्टमक को उसके पीछे की सतह से, नीचे की सतह से और उसके लेटरल साइड से पूरी तरह से कवर किए हुए होते हैं। आइए एलिमेंट्री कैनाल के भागों की संरचना और उनके कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। फोरगट का पहला हिस्सा यह माउथ कहलाता है। प्रॉन में माउथ उसके हेड के एंटीरियर वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। माउथ का आकार एक वर्टिकल स्लिट के रूप में होता है। माउथ में जो लेब्रम है वह उसका एंटीरियर लिप या सामने का होंठ निर्मित करता है, जबकि लेबियम यह माउथ के पीछे की ओर स्थित होता है और वह उसका पोस्टीरियर लिप या पिछला होंठ निर्मित करता है। माउथ के लेटरल साइड पर मैंडिबल के इंसिजर प्रोसेस होते हैं और ये इंसिजर प्रोसेस कड़े होते हैं तथा लेटरल लिप का निर्माण करते हैं। माउथ के कार्य के संदर्भ में हम देखें कि मैंडिबल के जो इंसिजर प्रोसेस होते हैं वो दांतों की तरह होते हैं और ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरने का कार्य करते हैं। साथ ही ये भोजन को पीछे की ओर बक्कल कैविटी में पहुंचाने का कार्य भी करते हैं, जबकि एंटीरियर और पोस्टीरियर लिप, जिन्हें हम सामने और पीछे के होंठ कहते हैं, वो भोजन को माउथ से बाहर निकलने में रोकते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं ये माउथ एक वर्टिकल स्लिट के रूप में है, जिसमें सामने की ओर लेब्रम है और ये लेब्रम इसका एंटीरियर लिप का निर्माण करता है, जबकि पीछे की ओर लेबियम यह इसके पोस्टीरियर लिप या पिछले होंठ का निर्माण करता है। माउथ के साइड पर मैंडिबल के इंसिजर प्रोसेस होते हैं। तो ये जो भाग हम देख रहे हैं ये डेंटिकुलेटेड है, दांतों की तरह रचनाएं इसकी सतह पर होती हैं और इसके द्वारा ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरने का कार्य करते हैं। ये रचनाएं कहलाती हैं इंसिजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। तो इन चार रचनाओं से घिरी हुई बीच की यह संरचना जो एक ओपनिंग के रूप में होती है, इसे कहा जाता है माउथ। दूसरा भाग जो माउथ के पीछे स्थित होता है यह बक्कल कैविटी कहलाती है। तो माउथ के पीछे की ओर वह एक छोटे से चैम्बर में खुलता है, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी यह छोटी एवं एंटीरियर पोस्टीरियर दिशा पर यह कंप्रेस्ड या दबी हुई होती है। बक्कल कैविटी चूंकि फोरगट का हिस्सा है, इसलिए इसके भीतर की सतह पर क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है। बक्कल कैविटी के लेटरल साइड पर मैंडिबल के जो मोलर प्रोसेस होते हैं वो उपस्थित होते हैं और
इन्हीं मैंडिबल के मोलर प्रोसेस के द्वारा भोजन को और महीन टुकड़ों में तोड़ा जाता है और तोड़ने के पश्चात उसे पीछे की ओर ओइसोफेगस की दिशा में भेज दिया जाता है। इस चित्र में हम इस पूरी संरचना को देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माउथ का हिस्सा है और माउथ में साइड पर ये इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल है, जबकि इस मैंडिबल का जो मोलर प्रोसेस होता है वह बक्कल कैविटी के साइड पर होता है। तो यह जो स्थान है यह बक्कल कैविटी का है और सामने की ओर की यह जगह जो वर्टिकल स्लिट के रूप में है ये माउथ कहलाती है। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं ये माउथ एक सर्कुलर स्लिट के रूप में दिखाई दे रही है, जिसके अगले भाग पर ये लेब्रम है जो एंटीरियर लिप बना रही है। पीछे की ओर ये दूसरा भाग है जिसे लेबियम कहते हैं, ये पोस्टीरियर लिप बना रहा है और माउथ के साइड पर ये दांत जैसी रचनाएं उभरी हुई हैं। ये दांत जैसी रचनाएं मैंडिबल की होती हैं और इन्हें इंसीजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल कहा जाता है। यह माउथ पीछे की ओर एक छोटे से चैम्बर में खुलती है जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं और इस बक्कल कैविटी के भीतर की सतह पर मैंडिबल के मोलर प्रोसेस उभरे हुए होते हैं। इस तरह ये जो मोलर प्रोसेस होते हैं वो बक्कल कैविटी में आए हुए भोजन को और महीनतम टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये भोजन को महीनतम टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसे ओइसोफेगस की दिशा में भेज देते हैं। फोरगट का तीसरा भाग यह ओइसोफेगस कहलाता है। बक्कल कैविटी के पीछे की ओर ओइसोफेगस स्थित होती है। ओइसोफेगस यह लंबी अपेक्षाकृत चौड़ी और वर्टिकल ट्यूब के रूप में होती है। यह कार्डियक स्टमक के अग्रभाग में खुलती है। ओइसोफेगस की इपिथिलियम की एक परत के द्वारा निर्मित होती है। इस इपिथिलियम के ऊपर भीतर की सतह पर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है और इस क्यूटिकल की परत के भीतर की सतह पर क्यूटिकल के बने हुए महीन रेशेदार रचनाएं या ब्रिसल्स पाई जाती हैं। इन्हें इंटीमा कहा जाता है। ओइसोफेगस की इपिथेलियम यह भीतर की ओर धंसकर चार फोल्ड का निर्माण करती हैं। इन फोल्ड्स को क्रमशः एंटीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर फोल्ड और लेटरल फोल्ड्स कहा जाता है। ओइसोफेगस की इपिथिलियम लेयर बाहर की ओर से मोटी मस्कुलर कोट के द्वारा घिरी रहती है। ओइसोफेगस का कार्य हम देखें कि ओइसोफेगस में जो क्यूटिकुलर ब्रिसल्स होते हैं ये भोजन को और महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं तथा उन टुकड़ों को कार्डियक स्टमक की ओर भेजने का कार्य करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ओइसोफेगस का ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। इसकी रचना ये इपिथिलियम की एक लेयर के द्वारा हुई है और इस इपिथिलियम के भीतर की सतह पर क्यूटिकल की एक पतली लेयर मौजूद होती है, जिस पर भीतर की दिशा पे हम देख सकते हैं इस तरह के ब्रिसल्स पाए जाते हैं और ये ब्रिसल्स भी क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होते हैं। इस भाग को इंटीमा कहा जाता है। इपिथिलियम लेयर बाहर की दिशा में ये मसल्स की एक मोटी परत के द्वारा घिरी हुई होती है, इसे मस्कुलर कोट कहा जाता है। इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि जो इपिथिलियम की लेयर है यह सामने की ओर से भीतर धंसी हुई है, ये एंटीरियर फोल्ड कहलाती है। इसी तरह से पीछे की ओर भी यह इपिथिलियम की लेयर धंसी हुई है, यह पोस्टीरियर
फोल्ड कहलाती है तथा साइड पर ये दो स्थानों पर धंसी हुई होती है और इसलिए इन्हें लेटरल फोल्ड कहा जाता है। भीतर की सतह यह ल्यूमेन कहलाती है और इसी ल्यूमेन से भोजन ओइसोफेगस में आता है और यहां से गुजरते हुए वह आगे कार्डियक स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। फोरगट का चौथा भाग यह स्टमक कहलाता है। प्राण का स्टमक यह एंटीरियर पार्ट जिसे हम कार्डियक स्टमक कहते हैं तथा पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक स्टमक में विभेदित होता है। इनका कार्डियक स्टमक यह आकार में बड़ा और मेम्ब्रेनस होता है। इसके अगले भाग पर ओइसोफेगस आकर के खुलती है। कार्डियक स्टमक के भीतर 5 क्यूटिकुलर प्लेट्स पाई जाती हैं, जो इसे पिचकने से रोकती हैं। ये प्लेट्स इस तरह से हैं। पहली प्लेट यह कहलाती है सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट यह ओइसोफेगस के ओपनिंग के पास स्थित होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये ओइसोफेगस की ओपनिंग है और इस ओपनिंग के द्वार पर एक क्यूटिकल की बनी हुई प्लेट मौजूद है। इस प्लेट को सर्कुलर प्लेट कहा जाता है। दूसरी प्लेट लेंसियोलेट प्लेट कहलाती है। यह स्टमक के अग्रभाग पर उसके छत पर स्थित होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लेंसियोलेट प्लेट का आधा हिस्सा ये बाई ओर दिखाई दे रहा है छत पर और इसी तरह से दूसरा आधा हिस्सा ये दाहिनी ओर छत पर दिखाई देता है। ये दूसरे तरह की प्लेट है जिसे हम लेंसियोलेट प्लेट कहते हैं। तीसरी प्लेट यह हस्टेट प्लेट कहलाती है जो स्टमक के फर्श पर स्थित होती है। ये आकार में बड़ी प्लेट होती है तथा इसकी सतह पर क्यूटिकल के बने हुए ब्रिसल्स या रेशेदार रचनाएं उपस्थित होती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये हल्के रंग की जो प्लेट दिखाई दे रही है यही प्लेट कहलाती है हस्टेट प्लेट। हस्टेट प्लेट के बीच का हिस्सा यह ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है जबकि ये अपने किनारे की ओर ढलान लिए हुए होता है। इसका आकार भाले की नोक की तरह होता है इसलिए इसे हस्टेट प्लेट कहा जाता है। तो ये तीसरी प्लेट हुई हस्टेट प्लेट। आइए चौथे प्लेट के बारे में हम देखें। यह प्लेट कॉम्ब प्लेट कहलाती है। हस्टेट प्लेट के किनारों पर स्थित लंबी और कंघी के समान यह प्लेट होती है जो भोजन को छानने का काम करती है। तो यहां पर हस्टेट प्लेट के साइड पर दोनों ओर ऐसी कंघी के समान एक प्लेट पाई जाती है यही प्लेट कहलाती है कॉम्ब प्लेट और इस कॉम्ब प्लेट के द्वारा भोजन को छाना जाता है। तो यह चौथे तरह की प्लेट हुई इसे हम कहेंगे कॉम्ब प्लेट। पांचवी तरह की प्लेट यह ग्रूव प्लेट कहलाती है। यह नालीदार होती है। कॉम्ब प्लेट के नीचे स्थित नालीदार प्लेट के रूप में ग्रूव प्लेट स्थित होती है जिसमें छना हुआ भोजन एकत्रित किया जाता है। इस चित्र में जो नीले रंग की लाइन हमें दिखाई दे रही है ये इसका ग्रूव प्लेट है। इस ग्रूव प्लेट में कॉम्ब प्लेट से छना हुआ भोजन आकर के तरल के रूप में एकत्रित किया जाता है। आइए हम वाल्व के बारे में देखते हैं। हस्टेट प्लेट के पीछे फर्श पर 4 वाल्व स्थित होती हैं, जो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर को 4 साइड से घेरे रहती हैं। तो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर वह अपर्चर है जिसके द्वारा यह कार्डियक स्टमक अपने पीछे और नीचे की ओर स्थित पाइलोरिक स्टमक में खुलता है। तो कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के बीच के अपर्चर को कहा जाता है कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। यही कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर 4 वाल्व के द्वारा घिरा हुआ होता है जिसके द्वारा
भोजन के आने और जाने को नियंत्रित किया जाता है। ये वाल्व इस तरह से हैं। पहला एंटीरियर वाल्व। एंटीरियर वाल्व का निर्माण हस्टेड प्लेट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसके द्वारा निर्मित होता है, जबकि पोस्टीरियर वाल्व यह स्टमक के फर्श के ऊपर उभरने से निर्मित होता है तथा लेटरल वाल्व इनकी संख्या दो होती है जो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के साइड पर स्थित होती हैं। लेटरल वाल्व ये क्यूटिकुलर गाइडिंग रिज के सिरों के द्वारा निर्मित होती हैं। यदि हम इन वाल्व को पृथक से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्डियक स्टमक है, इस कार्डियक स्टमक का पिछला हिस्सा ये हैंडल की तरह होता है और ये एंटीरियर वाल्व का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ जो स्टमक का फर्श है ये ऊपर की ओर इस तरह से उभर जाता है और उभरने के बाद यह पोस्टीरियर वाल्व का निर्माण करता है, जबकि साइड पर हम देख रहे हैं ये क्यूटिकल के फोल्ड हैं और ये फोल्ड साइड पर आकर के नॉब के तरीके से घुंडी नुमा हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इस तरह ये लेटरल वाल्व का निर्माण करते हैं। तो स्टमक के भीतर की जो क्यूटिकल की लाइनिंग है वो आकर के नॉब जैसी हो जाती है, घुंडी की तरह हो जाती है और इस घुंडी नुमा रचना को हम इनका लेटरल वाल्व कहते हैं। तो इस तरह यह जो अपर्चर है वह चार वाल्व के द्वारा घिरा हुआ है, एंटीरियर वाल्व, पोस्टीरियर वाल्व और लेटरल वाल्व, और इसी अपर्चर को कहा जाता है कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। और इसी कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर में जो ग्रूव प्लेट है वो आकर के खुलती है, इसे संबंधित होती है, जिसके कारण से छना हुआ भोजन इस ग्रूव प्लेट से बहते हुए वो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के माध्यम से वह पाइलोरिक स्टमक में प्रवेश कर जाता है। कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर यह चारों वाल्व से घिरा अपर्चर है जो पीछे और नीचे की ओर पाइलोरिक स्टमक में खुलता है। कार्डियक स्टमक का कार्य भोजन को चर्ण करना अर्थात भोजन को मथना होता है और इस दरमियान भोजन के साथ ये एंजाइम को मिक्स करते हैं, पचे हुए भोजन का फिल्ट्रेशन भी करते हैं और भोजन का डाइजेशन भी करते हैं। एक जीवित प्राण में उसका कार्डियक स्टमक निरंतर फैलता और सिकुड़ते रहता है, जिसके कारण इस कार्डियक स्टमक में आया हुआ भोजन एंजाइम के साथ मिल जाता है और वह चर्ण हो जाता है, महीनतम टुकड़ों में टूट जाता है, उसका लिक्विफिकेशन या तरलीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और भोजन के साथ जब एंजाइम मिलता है तो भोजन का पाचन या डाइजेशन भी कार्डियक स्टमक में होता है। स्टमक का दूसरा भाग यह पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। पाइलोरिक स्टमक यह छोटे चैम्बर के रूप में होता है जो कार्डियक स्टमक के पीछे व नीचे की ओर स्थित होता है। पाइलोरिक स्टमक की फर्श भीतर की ओर उभरी हुई होती है या फोल्डेड होती है, जिससे पाइलोरिक स्टमक दो चैम्बर्स में बट जाता है। ऊपर का चैम्बर यह डॉर्सल चैम्बर कहलाता है और नीचे का चैम्बर वेंट्रल चैम्बर कहलाता है। डॉर्सल चैम्बर में जो मिडगट की ओपनिंग होती है तथा वेंट्रल चैम्बर में पाइलोरिक फिल्टर का निर्माण होता है। वेंट्रल चैम्बर में पीछे की ओर हिपेटोपैनक्रियास की ओपनिंग भी स्थित होती है। वेंट्रल चैम्बर से फिल्टर्ड या तरलीकृत भोजन हिपेटोपैनक्रियास की ओपनिंग में प्रवेश करता है, जबकि अनफिल्टर्ड फूड पार्टिकल यह डॉर्सल चैम्बर से होते हुए
उसके मिडगट में प्रवेश करता है। इस कार्य में मिडगट की ओपनिंग में स्थित जो सीटी या क्यूटिकल के ब्रिसल्स होते हैं वो सहायता करते हैं। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये कार्डियक स्टमक का हिस्सा है, यह पाइलोरिक स्टमक का हिस्सा है। तो पाइलोरिक स्टमक कार्डियक स्टमक के ठीक नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है। इस पाइलोरिक स्टमक के जो फर्श है वो भीतर की ओर उभरी हुई होती है या फोल्डेड होती है, जिसके कारण से पाइलोरिक स्टमक ये दो चैम्बर्स में अंदरूनी तौर पर विभक्त हो जाता है। पहला जो डॉर्सल साइड पर होता है, ऊपर की ओर होता है, यह डॉर्सल चैम्बर कहलाता है, जबकि नीचे का यह चैम्बर यह वेंट्रल चैम्बर कहलाता है। इस चैम्बर की संरचना हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग के कारण से ऊपर की ओर ये डॉर्सल चैम्बर निर्मित हुआ और नीचे की ओर ये वेंट्रल चैम्बर निर्मित होता है। यहाँ पर वेंट्रल चैम्बर में हम ये फोल्डिंग देख रहे हैं, ये भीतर की दिशा पर धंसी हुई संरचना है और इसकी यह जो दीवार होती है ये पाइलोरिक फिल्टर प्लेट का निर्माण करती है। यदि इस भाग की संरचना हम पृथक रूप से देखें तो पाइलोरिक फिल्टर में अनेक रिजेज होते हैं और इनके बीच में ब्रिसल्स होते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना छन्नी की तरह हो जाती है और यह भोजन को छानने का काम करती है और इसीलिए इसे पाइलोरिक फिल्टर कहा जाता है। इस चैम्बर में डॉर्सल साइड पर मिडगट की ओपनिंग होती है, जहां से डॉर्सल साइड पर आया हुआ भोजन इन ब्रिसल्स के माध्यम से मिडगट की दिशा पर भेज दिया जाता है, जबकि छना हुआ तरलीकृत भोजन ये वेंट्रल चैम्बर से छनने के बाद ये हिपेटोपैनक्रियास की ओपनिंग के भीतर प्रवेश करता है। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि पाइलोरिक स्टमक में आया हुआ जो फाइन पार्टिकल या दानेदार भोजन है वह डॉर्सल चैम्बर से मिडगट के अंदर प्रवेश करता है, जबकि जो तरल भोजन होता है यह हिपेटोपैनक्रियास की जो ओपनिंग है जो वेंट्रल चैम्बर के पीछे पाइलोरिक फिल्टर के पीछे स्थित होती है उसके भीतर प्रवेश करता है। तो भोजन दो अलग अलग दिशाओं पर यहां से निर्दिष्ट होता है। फोरगट के बाद अब हम देखें एलिमेंट्री केनाल का मिडगट का हिस्सा। तो एलिमेंट्री केनाल का जो मिडगट होता है यह सबसे लंबा ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल चैम्बर से पीछे की ओर निकलती है। इसकी दीवार चार परतों के द्वारा निर्मित होती है। पहला कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे बाहर की लेयर होती है। इसके भीतर की सतह पर क्रमशः लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर और सबसे भीतर की ओर इपिथिलियल लेयर होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये मिडगट या इंटेस्टाइन का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें सबसे बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यू की परत है, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, उसके नीचे सर्कुलर मसल लेयर है और सबसे भीतर की ओर ये ब्राउन कलर पर हम देख सकते हैं ये इपिथिलियल लेयर है। मिडगट में अगले भाग पर विल्ली अनुपस्थित होते हैं, जबकि मध्य भाग पर और पीछे के भाग पर विल्ली उपस्थित होते हैं। विलाई क्या है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिडगट का भाग है, तो मिडगट के भीतर जो इपिथिलियम है ये मिडगट के अगले भाग पर प्लेन होती, इसमें किसी तरह के उभार नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मिडगट के मध्य भाग में यह जो इपिथिलियल लाइनिंग होती है वो ऐसे छोटे छोटे उभारों के रूप में निर्मित होती है और इन्हीं उभारों को कहा जाता है
विलाई, और विलाई जो होते हैं ये पचित भोजन में से जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको अवशोषित करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और यदि हम मिडगट के सबसे पीछे भाग की ओर देखें तो यहाँ पर जो विलाई होते हैं इनकी संख्या और ज्यादा होती है, अर्थात भोजन का सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो मिडगट के पीछे के हिस्से पर होता है। तो मिडगट के सामने के हिस्से पर इस तरह के उभार या विलाई अनुपस्थित होते हैं। मध्य भाग के विलाई आकार में छोटे होते हैं, जबकि मिडगट के पीछे भाग पर जो विलाई हैं ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इस तरह यदि हम देखें तो बचे हुए भोजन में से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण यहाँ पर कम होता है, जबकि मध्य भाग पर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और पिछले भाग पर भोजन का अवशोषण ये सर्वाधिक होता है। और इसी के अनुरूप इनकी भीतरी दीवार विकसित होती है। एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग यह हाइंडगट कहलाता है। हाइंडगट यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे छोटा भाग है, जो मिडगट के पीछे स्थित बल्ब जैसी रचना बनाता है। इस बल्ब जैसी रचना को रेक्टम कहा जाता है। यह रेक्टम भी मिडगट की तरह चार परतों से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन जो भीतर की ओर इपिथेलियल लाइनिंग है वह छह स्थानों पर उभरी हुई होती है, और इस इपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर क्यूटिकल की लेयर या परत भी पाई जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन की ही तरह या मिडगट की तरह बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, और सबसे भीतर की ओर है इपिथेलियल लेयर। और ये जो इपिथेलियल लेयर है ये छह स्थानों पर हम देख सकते हैं भीतर की ओर उभरी हुई है, और इन उभरे हुए स्थानों पर इनके भीतर की सतह पर क्यूटिकल की एक पतली परत भी पाई जाती है। तो क्यूटिकल की परत होने के कारण से हाइंडगट में या रेक्टम में भोजन के किसी भी भाग का अवशोषण नहीं होता है, और यह रेक्टम एक छोटे से छिद्र के द्वारा जिसे एनस कहते हैं उसके माध्यम से शरीर के पिछले और वेंट्रल साइड पर शरीर के बाहर खुलती है। हाइंडगट का जो कार्य है वह इस तरह से है, जो भोजन अपचित हो जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसका अवशोषण नहीं हो पाता, उसे हम फूड रेसिडियो या मल कहते हैं। तो उस अपचित भोजन को आहार नाल से बाहर निकालना यह कार्य हाइंडगट का होता है। तो इस तरह हमने फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की संरचना और उनके कार्य के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा भाग, यह कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम है हिपेटो पेनक्रियास। यह लीवर और पेनक्रियास की तरह कार्य करती है, इसलिए यह एक मिश्रित ग्रंथि है तथा इसे हिपेटो पेनक्रियास के नाम से जाना जाता है। प्रॉन में एक जोड़ी कॉम्पैक्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, जो स्टमक को उसके पोस्टीरियर साइड पर, लेटरल साइड पर और वेंट्रल साइड पर घेरे हुए होती हैं। यह हिपेटो पेनक्रियास अनेक हिपेटो पेनक्रियाटिक ट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है, और ये ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा परस्पर बंधी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हिपेटो पेनक्रियास की ट्यूब्यूल्स हैं, और ये ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में बंधी हुई होती हैं। हिपेटो पेनक्रियास में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं इस तरह से हैं, पहला ग्रेन्यूलर सेल्स, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है
वह ग्रेनुलर या दानेदार होता है। दूसरा फर्मेंट सेल, इनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण और उनका सिक्रीशन किया जाता है। तीसरे तरह की कोशिकाएं, ये हिपेटिक सेल कहलाती हैं, इनके भीतर फैट ग्लोब्यूल्स उपस्थित होता है। और चौथे तरह की कोशिकाएं, ये बेसल सेल कहलाती हैं, ये आधार पर स्थित सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, हिपेटिक ट्यूब्यूल्स हैं, ये हिपेटिक ट्यूब्यूल्स अनेक होती हैं और ये ट्यूब्यूल्स परस्पर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में बंधी भी होती हैं। तो इन हिपेटिक ट्यूब्यूल्स की जो भीतर की दीवार होती है उसमें चार तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले तरह की कोशिका, इस चित्र के माध्यम से हम बेहतर ढंग से देख और समझ सकते हैं। पहले तरह की कोशिका यह कहलाती है ग्रेन्युलर सेल। हम देखते हैं इन कोशिकाओं के भीतर की सतह पर जो साइटोप्लाज्म है वह दानेदार होता है। दूसरे तरह की कोशिका ये हिपेटिक सेल कहलाती हैं और इनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण और सिक्रीशन किया जाता है। तीसरा हिपेटिक सेल, ये जो हिपेटिक सेल होती हैं इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होता है, ये फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर भरे हुए होते हैं। और चौथा है बेसल सेल, ये देखिए ये सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हमने ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया है, ये कहलाती हैं बेसल सेल, जो इन कोशिकाओं के बेस या आधार पर स्थित होती हैं। ये सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स मिल करके एक कॉमन ट्यूब बनाती हैं और इन कॉमन ट्यूब को कहा जाता है हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर के ये एक ट्यूब बना रही हैं, तो कुल ट्यूब की संख्या दो होती है और ये दोनों कहलाती हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये अलग अलग छिद्र के द्वारा पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चेंबर में पाइलोरिक फिल्टर के पीछे खुलती हैं और इन्हीं के माध्यम से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पाइलोरिक स्टमक में रिलीज किया जाता है। हिपेटोपेनक्रियास के कार्य, हिपेटोपेनक्रियास यह एक मिश्रित ग्रंथि है और यह अनेक तरह के कार्यों का संपादन करती है। पहला, पेनक्रियास की तरह कार्य करते हुए यह प्रोटियोलिटिक, एमाइलोलाइटिक और लिपोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन या पाचन करती है। दूसरा, लीवर की तरह कार्य करते हुए यह ग्लाइकोजन, फैट और कैल्शियम को अपने भीतर संचित करने का भी कार्य करती है। तीसरा, मिडगट की तरह कार्य करते हुए यह पचे हुए भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन भी करती है। और चौथा है डाइजेशन या पाचन। तो भोजन का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या पाचन भी हिपेटोपेनक्रियास के भीतर होता है। इस तरह यह हिपेटोपेनक्रियास कई तरह के कार्यों का संपादन करती है। अंत में हम देखें पोषण की प्रक्रिया। प्राण में पोषण की प्रक्रिया यह कई चरणों में होती है। ये चरण इस तरह से हैं। पहला, फूड। प्राण ओमनिवोरस जंतु होता है, अर्थात यह सर्वाहारी होता है। एक से अधिक प्रकार के भोज्य पदार्थों को यह ग्रहण करता है। ये भोज्य पदार्थ प्लांट बेस्ड होते हैं, जलीय वनस्पतियां होती हैं, जल में पाए जाने वाले इंसेक्ट के लार्वी इत्यादि भी होते हैं और इसी तरह से पानी में डिकम्पोज होते हुए जो मटेरियल होते हैं उनके कणों को भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। दूसरा, फीडिंग का तरीका। बाहर भोजन को
आहार नली के अंदर ग्रहण करने लेने की प्रक्रिया यह फीडिंग कहलाती है। प्रॉन अपने चिलेट लेग के चीला के द्वारा, चीला ये जबड़े की तरह रचना होती हैं, इनके द्वारा ये अपने भोजन को पकड़ता है, तो इन्हीं रचनाओं को चीला कहा जाता है। और जिस लेग के शीर्ष पर ये चीला उपस्थित होता है, ये जबड़े उपस्थित होते हैं, उनको चीलेट लेग कहा जाता है। तो प्रॉन में जो पहला लेग है, पहला पेयर लेग और सेकंड पेयर लेग, ये दोनों के दोनों चीलेट लेग होते हैं। तो प्रॉन अपने चीलेट लेग के इन्हीं चीला के द्वारा भोजन को पकड़कर माउथ के करीब लाता है, जिसके पश्चात मैंडिबल के जो इंसीजर प्रोसेस होते हैं, ये छोटे छोटे दांतों की तरह होते हैं, उनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पीछे की ओर बक्कल कैविटी में सरका दिया जाता है, जहां से मैंडिबल के मोलर प्रोसेस के टीथ के द्वारा उन्हें और महीनतम टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और उसके पश्चात उस भोजन को बक्कल कैविटी से ओइसोफेगस में भेज दिया जाता है। भोजन जब ओइसोफेगस से होते हुए आगे की ओर कार्डियक स्टमक में पहुंचता है, तो उस दरमियान वो और भी महीनतम टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस तरह भोजन ग्रहण करने के बाद वह स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद अब तीसरी प्रक्रिया होती है, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हिपेटोपैनक्रियास से भोजन जब स्टमक में पहुंचता है, कार्डियक स्टमक में पहुंचता है, उसके उपरांत हिपेटोपैनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलकर पाइलोरिक स्टमक में पहुंचता है, जहां से वह कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर से होता हुआ कार्डियक स्टमक में पहुंचता है, और कार्डियक स्टमक में पहुंचने के बाद वह एंजाइम भोजन के साथ मिलकर उसका पाचन एवं तरलीकरण प्रारंभ कर देता है। कार्डियक स्टमक के फैलने और संकुचित होने से भोजन मथ जाता है, चर्ण हो जाता है, और यह पचा हुआ तरलीकृत भोजन कॉम्ब प्लेट से छन कर ग्रूव प्लेट में पहुंचता है, जहां से वह कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर से होता हुआ पाइलोरिक स्टमक में पहुंच जाता है। इस तरह जब तरलीकृत भोजन पाइलोरिक स्टमक में पहुंचता है, तो भोजन को वहां अंतिम रूप से पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा छाना जाता है, जिससे भोजन दो अवस्थाओं में बट जाता है। पहला, पूर्णतः तरलीकृत भोजन। यह पूर्णतः तरलीकृत भोजन वेंट्रल चेंबर में स्थित हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग में प्रवेश करके वहां से वह हिपेटोपैनक्रियास में चला जाता है, और हिपेटोपैनक्रियास में पहुंचने के बाद भोजन का इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दूसरा, भोजन का वो हिस्सा जो कणयुक्त होता है, दानेदार होता है, यह पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल चेंबर में प्रवेश करता है, और वहां से वह मिडगट ओपनिंग में प्रवेश करके मिडगट में चला जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि तरलीकृत भोजन ये हिपेटोपैनक्रियास में जाता है, जबकि कणिका में या दानेदार भोजन ये मिडगट के अंदर प्रवेश करता है। कार्डियक स्टमक में भोजन का पाचन एक्स्ट्रासेलुलर और हिपेटोपैनक्रियास में भोजन का पाचन इंट्रासेलुलर होता है। आइए चित्र के माध्यम से हम डाइजेशन की प्रोसेस को या प्रक्रिया को समझते हैं। भोजन ओइसोफेगस से होते हुए जब कार्डियक स्टमक में आता है, इसी दरमियान हिपेटोपैनक्रियास सक्रिय हो जाता है और वह डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ओपनिंग के माध्यम से वेंट्रल चेंबर में आते हैं, पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चेंबर में आते हैं, जहां से
वो कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर से होते हुए ये कार्डियक स्टमक पर पहुंचा दिए जाते हैं। इस तरह कार्डियक स्टमक में भोजन और एंजाइम दोनों आ जाते हैं, साथ साथ होते हैं, और इसी दरमियान कार्डियक स्टमक ये संकुचित होता है, फैलता है, जिसके कारण भोजन एंजाइम के साथ मिलकर के चर्न होने लगता है और वो और भी महीनतम टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और ये भोजन छोटे टुकड़ों में टूटने के साथ ही साथ वह तरलीकृत भी होने लगता है, और इस तरह भोजन जो तरलीकृत है वो हस्टेड प्लेट से कॉम्ब प्लेट की ओर आता है, जहां छन करके वो ग्रूव प्लेट में इकट्ठा होता है, और ग्रूव प्लेट के माध्यम से होते हुए यह भोजन अब वापस उसी मार्ग से वापस लौटेगा जिस मार्ग से डाइजेस्टिव एंजाइम ने हिपेटोपैनक्रियास में प्रवेश किया था। तो तरलीकृत भोजन अब कार्डियक स्टमक को छोड़ करके कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर से होते हुए ये पहुंचता है वापस पाइलोरिक स्टमक में, और पाइलोरिक स्टमक में पहुंचने के बाद पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा उस तरलीकृत भोजन का अंतिम तौर पर फिल्ट्रेशन होता है। भोजन का जो हिस्सा पूरी तरह से तरलीकृत होता है वह इस हिपेटोपैनक्रियास की ओपनिंग के भीतर प्रवेश करता है, जबकि जो दानेदार भोजन होता है ये दानेदार भोजन ये मिडगट के अंदर प्रवेश करता है, और इस तरह भोजन दो अलग अलग स्वरूपों में होने के कारण से वह अलग अलग दिशा पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस चित्र पर हम देख सकते हैं कि पाथ ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम हिपेटोपैनक्रियास टू कार्डियक स्टमक। तो एक एरो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हिपेटोपैनक्रियास का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वह पाइलोरिक स्टमक में छोड़ा जा रहा है, जहां से होते हुए वो कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर से गुजर करके कार्डियक स्टमक में पहुंच रहा है, जहां वह भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद, तरलीकृत करने के बाद वापस कार्डियक स्टमक से कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर के द्वारा होते हुए वो पाइलोरिक स्टमक में पहुंच रहा है, और पाइलोरिक स्टमक में दानेदार भोजन डॉर्सल चेंबर में होगा और तरलीकृत भोजन वेंट्रल चेंबर में होगा। दानेदार भोजन ये मिडगट में प्रवेश करेगा, जबकि तरलीकृत भोजन हिपेटोपैनक्रियास की ओपनिंग में प्रवेश करेगा, जहां वो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ये हिपेटोपैनक्रियास की नलिकाओं के भीतर प्रवेश कर जाता है। तो इस चित्र में लाल एरो के माध्यम से हमने डाइजेस्टिव एंजाइम का मार्ग हिपेटोपैनक्रियास से कार्डियक स्टमक की दिशा में प्रस्तुत किया है, जबकि नीले रंग के एरो के माध्यम से हमने डाइजेस्टेड फूड को कार्डियक स्टमक से पाइलोरिक स्टमक की दिशा में दर्शाया हुआ है। तो पाइलोरिक स्टमक में जब भोजन तरल रूप में आता है तो वह दो मार्ग में चला जाता है, दानेदार भोजन ये मिडगट में, और जो तरलीकृत भोजन होता है वो हिपेटोपैनक्रियास के भीतर प्रवेश कर जाता है। ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन, भोजन के पाचन के बाद उनमें से उपयोगी पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पचा हुआ जो कणयुक्त भोजन है वह पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल चेंबर से मिडगट में प्रवेश करता है, और इस मिडगट में उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। जो तरलीकृत भोजन होता है वह पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चेंबर से हिपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग में प्रवेश करते हुए अंत में वह हिपेटोपैनक्रियास में पहुंच जाता है, जहां उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। फिर हम देखें स्टोरेज ऑफ फूड। अवशोषित भोजन की अतिरिक्त मात्रा को हिपेटोपैनक्रियास में ग्लाइकोजन, फैट
और कैल्शियम के रूप में संचित कर लिया जाता है। और अंत में हम देखें इजेशन के बारे में, तो अपचित भोजन या फूड रेसिड्यू को रेक्टम में अस्थायी रूप से संचित किया जाता है तथा उसे एनस के द्वारा आहार नली से बाहर या शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह प्राण या पेलिमॉन में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन अवर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्डियक स्टमक, हिपेटोपेंक्रियास एंड हस्टेट प्लेट। और निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन पेलिमॉन। ये रेफरेंसेस हैं जहां से विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है।